प्रथम तहलका न्यूज। प्रदेश में लगातार लूट की वारदातें बढ़ती जा रही है। वहीं ताजा मामला फरीदाबाद के सेक्टर 15 से सामने आया है, जहां पर 3 नकाबपोश बदमाशों ने कैनरा बैंक में घुसकर लूटपाट की घटना को अंजाम दिया और फिर वहां से फरार हो गए। दिखाई दे रहा ये नजारा फरीदाबाद के सेक्टर 15 के कैनरा बैंक का है, जहाँ दिन दिहाड़े 3 नकाबपोश बदमाशों ने लूट की वारदात को अंजाम दिया। पुलिस के मुताबिक 3 युवक नकाब लगाकर बैंक के अंदर घुसे और फिर बंदूक के दम पर 1,84,000 की लूट कर मौके से फरार हो गए। पुलिस के मुताबिक जिस समय ये वारदात हुई, उस समय बैंक में कोई भी सुरक्षा गार्ड नहीं था, जो कि बैंक की बड़ी लापरवाही है। फिलहाल पुलिस बैंक और आसपास के इलाके में लगे सीसीटीवी फुटेज खंगाल रही है। पुलिस का दावा है कि जल्द ही आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया जाएगा। नाम नीरज चावला, मैं RW सेक्टर 15 हूँ। सर, क्या 12 बजे के आसपास ये न्यूज आई कि यहाँ पर 3-4 लड़के घुसे, उन्होंने बैंक को लूटने की कोशिश करी थी और थोड़ा बहुत कैश लूट के भाग गए, लेकिन हमारी पुलिस टाइम पे आ गई थी। उसी वक्त सेक्टर साहब भी आ गए थे, ACP महेंद्र वर्मा जी भी आ गए थे, इंचार्ज साहब भी सब पहुँच गए थे यहाँ पर, और क्राइम ब्रांच की टीमें भी आ चुकी हैं। वो अपना काम कर रही हैं, कैमरे चेक कर रही हैं और ढूंढने की कोशिश करी जा रही है, और हमारा पुलिस प्रशासन बहुत जल्दी इनको पकड़ लेगा। जो बैंक वाले बता रहे हैं कि 1,80,84 के आसपास बता रहे हैं, अमाउंट बता रहे हैं। ये बहुत बड़ा शहर है, आपको पता ही है आजकल ये चीज़ें वारदात हर जगह होती हैं, इतना पैनिक होने की कोई ज़रूरत नहीं है। मैं आम जनता को भी बोलूँगा, डोंट गेट पैनिक, कुछ नहीं होता। हमारा पुलिस प्रशासन बहुत मुस्तैद है, हमारे CP सर बहुत मुस्तैद हैं, उन्होंने सारी टीमों को भेज दिया, इंस्ट्रक्शन दे दिए हैं कि तुरंत तरीके से काम किया जाए, इसमें डरने वाली कोई बात नहीं। कि अपना केंद्रीय बैंक सेक्टर 15 में जो है, उसमें 3 लड़के नकाबपोश आए और उन्होंने गन पॉइंट पे कैश की लूटपाट की है। तो कहाँ से आए, कैसे, उन्होंने कोई पुरानी यहाँ पर तैयारी की हुई थी, क्या कुछ अभी हासिल हो पा रहा है? देखिए, अभी हमें आसपास के कैमरे फुटेज चेक कर रहे हैं और उसके अनुसार हम कार्रवाई अपनी कर रहे हैं। सर, किस वक्त की घटना है ये? करीब 12:30 बजे दिन की। कितने की लूट हुई है और कैसे कैशियर के पास आए, क्या? 1,84,000। सर, ये गन पॉइंट पे कहा जा रहा है ये लूट हुई है? हाँ, एक अंदर हाथापाई हुई थी या नॉर्मल सब? नहीं, कोई हाथापाई नहीं हुई है, नॉर्मल। अब CCTV फुटेज वगैरह खंगाले हैं, क्या कुछ अपराधी हैं, कैसे आगे की जाँच होगी? देखिए, अभी जो कैमरे हम देखे, 3 लड़के हैं जो नकाबपोश आए हैं, उसी के हिसाब से हम इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं। सर, किस एज ग्रुप के लग रहे हैं जो लड़के हैं? 25-30 के आसपास। तो युवा हैं पहले, मतलब इस तरह का कहा जा रहा है कि नए युवा हैं, ज़्यादा उनको वो नहीं था, एक्सपीरियंस नहीं था, या क्या कुछ पहली जो है नज़र आ रहा है? ये कैसे कह सकते हैं कि उनको एक्सपीरियंस नहीं है, बदमाश आदमी है। जी, ठीक है। अब किन एंगलों से आगे पुलिस जो है जाँच कर रही है? हम आसपास के कैमरे हैं हमारी, काफ़ी हमने क्राइम ब्रांच की टीम नियुक्त कर दी है और पूरी शहर में नाकाबंदी हमने की हुई है और जल्द इसमें हम कार्रवाई करेंगे। व्यापारियों को कहना है कि चौकी भी पास में ही थी और इस तरह से दोपहर के समय थी, बदमाश इस तरह की वारदात को अंजाम देंगे तो एक घबराहट, एक कहीं ना कहीं डर। नहीं, देखिए, वारदात तो हुई है और वारदात नहीं होनी चाहिए, उसके लिए हम पूरे प्रयास कर रहे हैं और हम जल्दी इनको पकड़ेंगे। सर, उस वक्त यहाँ पर गार्ड मौजूद नहीं था? जो बैंक में गार्ड वगैरह नहीं है, हमने इनको लेटर भी पहले लिखे हुए हैं, बैंक में फिलहाल कोई गार्ड नहीं था। गार्ड की हमेशा मांग रही है, पुलिस भी कहती रही कि गार्ड लगाए जाएं, ATM पर भी लगाए जाएं, बैंकों के बाहर भी, लेकिन कोई इस तरह का? देखिए, समय समय पर अधिकारियों के आदेश मिलते हैं और हम इनको वो आदेश बता भी देते हैं कि आप गार्ड रखिए, ATM में रखिए, बैंक में रखिए, ये बैंक की कुछ पॉलिसी का बहाना बनाकर बैंक गार्ड नहीं रखते। यहाँ बड़ा सवाल फरीदाबाद की सुरक्षा व्यवस्था को लेकर है, जहाँ दिन दिहाड़े इस तरह की वारदात को अंजाम दे दिया गया है। वहीं इस मामले की जानकारी मिलने के बाद इलाके के लोगों में हड़कंप मचा हुआ है। प्रथम तहलका के लिए फरीदाबाद से सुनील चौधरी की रिपोर्ट।